वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये बताया था कि टोयोटा 2020 में फेसलिफ्टेड फॉर्च्यूनर को लॉन्च कर सकती है और उसको ऑलरेडी थाईलैंड में स्पाइट किया जा चुका था, वैसे ही आज मैं आपको BS6 फॉर्च्यूनर से जुड़ी कुछ कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जब BS6 इनोवा क्रिस्टा को टोयोटा ने लॉन्च किया था तो तब ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि इनोवा की तरह फॉर्च्यूनर की लाइनअप से 2.8 लीटर डीजल इंजन को BS6 अपग्रेड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उससे तो यही पता चलता है कि BS6 फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन मिला करेगा। टोटल 7 डीजल के और 2 पेट्रोल के वेरिएंट्स आपको BS6 फॉर्च्यूनर में मिलेंगे। BS4 अवतार में 2.8 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन 177 PS की पीक पावर और 420 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विद पैडल शिफ्टर इसमें आपको मिलता है उसमें आपको 30 न्यूटन मीटर का ज्यादा टॉर्क आउटपुट ऑफर करती है टोयोटा आपको, जो कि टोटल हो जाता है 450 न्यूटन मीटर का, और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा है और इसी कारण फॉर्च्यूनर इतनी पावरफुल फील होती है ड्राइव करते वक्त। जो भी फिगर्स आपको BS4 इंजन के साथ मिलते थे, एक्सपेक्टेड है कि BS6 अवतार में भी आपको सेम पावर और टॉर्क के फिगर्स मिला करेंगे और साथ ही साथ डीजल फॉर्च्यूनर में आपको 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। अब पेट्रोल इंजन की बात करूं तो फॉर्च्यूनर में आपको सेम इनोवा वाला ही 2.7 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 166 PS की पीक पावर और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं करेंटली और BS6 अवतार में भी मिला करेंगे। तो मेरे हिसाब से BS6 अपडेट के अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर की इस अपडेट में कोई कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन टोयोटा के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस SUV में आपको पैनोरामिक सनरूफ, बिगर टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरास जैसे फीचर्स ऑफर करे ताकि ये SUV और भी ज़्यादा अपीलिंग बन जाए। अब इसके प्राइसेस की बात करूँ तो करंटली BS4 फॉर्च्यूनर आपको 28.18 लाख से शुरू होकर 34.2 लाख की मिल जाती है एक शोरूम डेली, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेट्रोल में प्राइसेस 50,000 तक महंगे हो सकते हैं और डीजल में 2 लाख तक महंगे हो जाएंगे। और इसके कंपटीशन की बात करूं तो ये SUV फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा एल्टुरा G4, होंडा CRV, स्कोडा कोडियाक और इसुजु MUX के साथ कम्पीट करती है। तो ये थी मेरी तरफ से BS6 फॉर्च्यूनर पर एक अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।